सोलर एयर कंडीशनर आजकल ट्रेंड में है। सोलर एसी से रिलेटेड आपने बहुत सारे वीडियोस अभी तक देखे होंगे, पर आज जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, ऐसा सोलर एयर कंडीशनर आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये सोलर एयर कंडीशनर आपकी डेली लाइफ की जो एनर्जी की जरूरतें हैं उन जरूरतों को कर सकता है 1/4 कम। फीचर इतने कि आप इंडिया में बैठ के अमरीका में अपना एयर कंडीशनर चला पाएंगे। और अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यह है आपके देश की टेक्नोलॉजी। पिछले 6 साल से हम लोग प्रीमियम क्वालिटी के सोलर एयर कंडीशनर्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। पर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको 2023 की अभी तक की दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। यह सोलर एसी कीमत में तो है सबसे कम, और फीचर्स की बात करो तो फीचर्स सबसे ज्यादा। पावर कंजप्शन की मैं बात करूं, क्या आप यकीन करेंगे कि एक कूलर के पावर कंजप्शन में ये एयर कंडीशनर चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ साल पहले तक लोग जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर की टेक्नोलॉजी है उसको नहीं जानते थे। नॉर्मली एयर कंडीशनर जिनके घर में होता था तो उनके घर में नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर होता था। जैसे जैसे बिजली के बिल पड़े तो वैसे वैसे लोगों को एसी एक फायदे का सौदा नहीं लगने लगा। उन्हें लगा कि भाई बिजली एयर कंडीशनर बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो फिर लोगों ने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे स्विच किया। और डेफिनेटली इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लोगों को मिलने लगा, मतलब पावर कंजप्शन कम हो गया और कूलिंग आपकी उतनी ही। उसके बाद में सोलर एयर कंडीशनर ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनाई, और इंडिया में आज ट्रेंडिंग में सोलर एयर कंडीशनर रहता है। और रहे भी क्यों ना, फीचर्स ही इतने ज्यादा हैं, क्या कोई एक आदमी यकीन कर सकता है कि एक तरफ कूलर का पावर कंजप्शन और एक तरफ एसी का पावर कंजप्शन दोनों अगर ऑलमोस्ट सेम हो जाए तो फिर कोई क्यों कूलर लगवाएगा, एयर कंडीशनर क्यों नहीं लगवाएगा। तो फ्रेंड्स, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है नेक्सस के 2 नए मॉडल, और ये मॉडल है नेक्सस का नेक्सस सनकूल। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आप देख पा रहे हैं नेक्सस सनकूल 2X, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं दूसरे एयर कंडीशनर में नेक्सस सनकूल 1X। दोनों मॉडल आप देख रहे हैं, एक मॉडल का आप देखेंगे इंडोर थोड़ा छोटा आपको दिख रहा है और दूसरे का जो इंडोर है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। आउटडोर की बात करें तो आउटडोर ये सामने आप मेरे देख रहे हैं, आउटडोर एयर कंडीशनर का ऑलमोस्ट दोनों ही एसी का लगभग सेम है। उसकी फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं है, जो भी आउटडोर के अंदर टेक्नोलॉजी है उसके अंदर चेंज किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस एयर कंडीशनर में नया क्या है, तो सबसे पहले इस एयर कंडीशनर में नया ये है कि अभी तक आप जो एयर कंडीशनर लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने रूम साइज के हिसाब से एयर कंडीशनर डिसाइड करते हैं कि माना आपका 100 स्क्वायर फीट का रूम है तो आपने 1 टन का एसी लिया, 150 है तो 1.5 टन लिया, 200 स्क्वायर फीट है तो 2 टन का आपने एसी लिया। अब इस एयर कंडीशनर में आपको पहला ही एडवांटेज ये मिलता है कि आपको रूम के साइज से कंप्लीटली फ्री कर देता है। आपका रूम 100 स्क्वायर फीट है, 150 है, 200 है, 225 स्क्वायर फीट है, तो नेक्सस का जो ये मेरे आप सामने मॉडल देख रहे हैं NX1X सनकूल वाला मॉडल, ये मॉडल आपको कंप्लीटली रूम के साइज से फ्रीडम दे देता है। अभी इस एयर कंडीशनर की जो विशेषता है वो ये है कि आपने अगर इसको एआई मोड पे डाल दिया तो एआई मोड पे ये आपके रूम के साइज के हिसाब से अपने पावर कंजप्शन ऑटो एडजस्ट कर लेगा। मतलब अगर आपका छोटा रूम है तो ऑटोमेटिकली 1 टन बन जाएगा, आपका बड़ा रूम है, थोड़ा बड़ा रूम है तो 1.5 टन बन जाएगा, और बड़ा रूम है तो 2 टन बन जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है। बाकी आप मैन्युअली चाहें कि साहब मेरे को तो अपने हिसाब से, कि मेरे को अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी जो टनेज है वो डिसाइड करनी है, तो रिमोट में हमने एक कन्वर्टेबल इसमें फीचर डाला है। रिमोट के अंदर आपको बटन देखने को मिलता है, बटन की हेल्प से आप इसको 1 टन, 1.25 टन, 1.5 टन, 1.25 टन, 2 टन बना सकते हैं। 1X मॉडल का जो साइज आप देख रहे हैं ये हमारे ट्रेडिशनल जो रेगुलर मॉडल है उससे हमने छोटा कर दिया है। बहुत सारे लोगों की जो हमारा रेगुलर मॉडल है उसमें कंप्लेंट थी कि 1X और 2X का इंडोर का जो साइज है वो सेम है, तो इसमें 1X मॉडल का इंडोर का साइज कम कर दिया है क्योंकि जो छोटे रूम्स हैं उनके लिए वो स्पेस ज्यादा ले रहा था, और 2X मॉडल में साइज बड़ा कर दिया है जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो आपका अगर रूम साइज 150 स्क्वायर फीट से 300 स्क्वायर फीट का है तो उसके लिए आप ये 2X वाला मॉडल ले सकते हैं। इसमें भी सेम टेक्नोलॉजी है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन, 3 टन इसको बना सकते हैं। अब दूसरे इसके फीचर की मैं आपको बात बताऊं तो इस एयर कंडीशनर को हमने कंप्लीटली वाईफाई से लैस कर दिया है। नेक्सस का सोलर एसी का ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए,
और वाईफाई हमने इसके अंदर डाला है, अलग से कोई इसमें डोंगल लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हॉटस्पॉट चाहिए तो हॉटस्पॉट आप अपने फोन का ही बना सकते हैं, या फिर आपके पास में कोई वाईफाई डिवाइस है तो उसका भी आप हॉटस्पॉट बना सकते हैं। तो आपके फोन में आप देख पाएंगे कि एसी का पावर कंजप्शन कितना है, फोन से ही आप इसकी टेम्परेचर सेट कर पाएंगे। डिफरेंट आपको इसमें मोड देखने को मिलते हैं, ड्राई मोड, स्लीप मोड, कूल मोड, ऑटो मोड, टर्बो मोड, सारे मोड आप सिलेक्शन कर पाएंगे और लाइव आपको यह दिखाता रहेगा कि आपका कितना पावर कंजप्शन एयर कंडीशनर कर रहा है। तो ये तो हुए इसके कुछ फीचर्स, अभी इसके कुछ और फीचर्स हैं तो आप वीडियो में कहीं से भी स्किप ना करें, कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहें। अब बात ये कि इस सोलर एयर कंडीशनर को आप कितने सोलर पैनल से चला सकते हैं, या अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलाना चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होने वाली है, या फिर बैटरी से चलाना चाहें तो कितनी बैटरी से चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एयर कंडीशनर 1X वाले मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, अगर 1X मॉडल आपको सीधा पैनल से चलाना है तो नेक्सस के 580 वाट के 248 वोल्ट के पैनल आते हैं, जिसको 48 वोल्ट का पैनल हम लोग बोलते हैं। तो दो पैनल से आप दिन भर इसको चला सकते हैं सीधा, और इसके लिए आपको कोई भी अलग से वायरिंग की जरूरत नहीं है। जो इसमें जो पावर केबल दिया हुआ है उसके बिल को अगर आप डीसी में लगा देंगे, सोलर पैनल से लगा देंगे, तो सीधा सोलर पैनल से आपका एसी चल जाएगा, और अगर आप एसी में लगा देंगे तो एसी पावर सप्लाई से आपका जो एयर कंडीशनर है वो आपका चल जाएगा। अब बात यह है कि क्या सोलर एसी को सीधा सोलर पैनल से चलाना चाहिए, और हाइब्रिड सोलर एसी क्या होते हैं, और क्या ये एयर कंडीशनर हाइब्रिड सोलर एयर कंडीशनर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को केवल दिन में 9 बजे से और शाम को 3 बजे तक या 4 बजे तक एसी चलाना है तो वो लोग डायरेक्ट सोलर पैनल से भी इसको चला सकते हैं। बाकी जिन लोगों को सुबह 7-8 बजे से चलाना है या शाम तक चलाना है, लेट नाइट तक चलाना है, तो उनके लिए सीधा सोलर पैनल से इस एसी को चलाना कोई एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। रीजन यह है कि माना आपने 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाया हुआ है, अब 1 किलोवाट सोलर पैनल आपका दिन के एक टाइम में 800 वाट का प्रोडक्शन कर रहा है, और आपका जो एसी है वो माना खा रहा है मात्र 400 वाट, तो आपके 400 वाट का जो है वो वेस्टेज हो रहा है। जिस 400 वाट को अगर आप अपने बैटरी बैंक में स्टोर कर लेंगे तो शाम के टाइम आप उस स्टोर बैटरी बैंक से अपना जो एयर कंडीशनर उसको चला पाएंगे, रात में भी चला पाएंगे। तो जिन लोगों को अपने घर में एयर कंडीशनर का यूज करना है तो उन लोगों को मैं प्रेफर करूंगा कि या तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से इसको चला लें, क्योंकि आप सीधा बिजली से भी इसको चलाएंगे तो भी इसके पावर कंजप्शन कूलर के बराबर ही रहने वाले हैं। और अगर आप सोलर पैनल से इसको चलाना चाहते हैं तो दो पैनल आप लीजिए, 580 वाट के नेक्सस के दो पैनल आप ले सकते हैं। दो पैनल को आप किसी भी दो बैटरी के इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। तो जब दो बैटरी के इन्वर्टर पे आप दो पैनल्स को लगा देंगे तो वो पैनल इतना प्रोडक्शन कर देंगे कि जिससे आपका एयर कंडीशनर जो है वो पूरे दिन आपका फ्री में चलता रहेगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आपके बैटरी बैंक में स्टोर होती रहेगी, जिस स्टोर एनर्जी से आप शाम के टाइम भी अपना एयर कंडीशनर को प्रॉपरली चला पाएंगे। अब बात कर लेते हैं 2X वाट वाले मॉडल की, कि 2X मॉडल को चलाने के लिए आपको कितने पैनल चाहिए। तो उसके लिए आपको कम से कम 4 पैनल की आवश्यकता पड़ने वाली है 2X मॉडल को अगर आप चलाना चाहते हैं, तो 4 पैनल से आप इस वाले एसी को दिन भर चला सकते हैं। अब बात है कि अगर आपको रात में भी एयर कंडीशनर चलाना है तो कितना बड़ा बैटरी बैंक चाहिए और कितना बड़ा आपको सोलर पैनल लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रात में भी ये सोलर एसी बैटरी से चलाना है तो नेक्सस की 48 वोल्ट 100 एएच की लिथियम बैटरी आती है, वो इतनी पावरफुल है कि एनएक्स 1X के एसी को पूरी रात चला सकती है। या फिर आपके पास में अगर लेड की 150 एएच की 4 बैटरी है ट्यूबलर वाली, तो आप 4 बैटरी भी आपके इस एयर कंडीशनर को पूरी रात चला पाएंगे। अब फ्रेंड्स, बात यह कि क्या ये सोलर एसी हाइब्रिड सोलर एसी है, और हाइब्रिड सोलर एसी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हाइब्रिड सोलर एसी इस तरह का होता है कि एक तरफ आपने सोलर लगा दिया, एक तरफ आपने ग्रिड लगा दी और आप एसी को चला पा रहे हैं। अब इस कंडीशन में एक डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलता है कि जिस टाइम पे आपके एसी के पावर कंजप्शन कम हो जाएंगे, क्योंकि ये एसी का कोई जर्क लोड नहीं है, ये धीरे धीरे जैसे आपके रूम की कूलिंग आती जाएगी वैसे वैसे इसके पावर कंजप्शन आपके कम होते जाएंगे। 14 स्टेप में इसके पावर कंजप्शन अप होंगे और 14 स्टेप में ही इस एसी के पावर कंजप्शन कम हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपका एसी बहुत कम पावर ले रहा है और आपका सोलर एनर्जी बना रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी आधे से ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। अब आपको हाइब्रिड एसी लेना है तो हाइब्रिड एसी में सिर्फ आपको ये करना है कि जो हम अपना नेक्सस का 3 kVA 24 वोल्ट का इन्वर्टर बनाते हैं वो इन्वर्टर बैटरी लेस है। तो अगर आप हाइब्रिड ही बनाना चाहते हैं तो जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में एक तरफ आप पैनल लगा दीजिए और एक तरफ आप उसमें ग्रिड डाल दीजिए और अपने सोलर एसी को आप दिन भर चला पाएंगे। और ये जो आइडिया है ये आपको बहुत सस्ता पड़ने वाला है, क्योंकि मात्र आपको जो ये इन्वर्टर मैं बता रहा हूं, ये इन्वर्टर की कॉस्ट मात्र 45,000 है। मतलब 45,000 रुपए का आपने इन्वर्टर लिया और 45,500 ही इस एसी की कीमत है। तो 90,000 रुपए में आपका जो एसी है वो आपका हाइब्रिड एसी बन जाता है, जिस
मॉडल से आप केवल एसी ही नहीं आपके अपने घर के पूरे लोड भी चला पाएंगे। दूसरा, ये जो इन्वर्टर मैंने आपको बताया 3 kVA 24 वोल्ट का जो हम बनाते हैं, मैं आपको दिखवा भी दूं फ्रेंड्स सामने कौन सा मॉडल है। ये जो मेरे आप सामने देख रहे हैं ये है नेक्सस का 3 kVA 24 वोल्ट का मॉडल। ये मॉडल बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों के साथ में चल सकता है। तो बैटरी आपको लगानी है तो 2 बैटरी आप इस पर लगा सकते हैं, नहीं लगानी है तो 1 भी बैटरी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये इन्वर्टर हमारे दोनों ही एयर कंडीशनर को चला सकता है, 2x मॉडल को भी चला सकता है और 1x मॉडल को भी चला सकता है। अगर आप बैटरी नहीं रखना चाहते तो एक तरफ आपने ग्रिड डाला, एक तरफ आपने सोलर डाला, आपने एसी अपना चला लिया। अब आप ये कहेंगे कि मेरे को तो एक्सटर्नल इन्वर्टर नहीं चाहिए, तो इसी इन्वर्टर को कैबिनेट हटा हम आपके एसी के आउटडोर में फिट कर देंगे। यहाँ पे आपको आउटडोर में फिट करके दे देंगे तो आपका जो काम इन्वर्टर कर रहा था वही इन्वर्टर आपके एयर कंडीशनर में लग जाएगा। तो आप इस तरह भी अपने एसी को हाइब्रिड बना सकते हैं और किसी भी मॉडल को बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इस एयर कंडीशनर की कॉस्ट कितनी रहने वाली है, विद पैनल कितनी रहने वाली है और विदाउट पैनल कितनी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको एयर कंडीशनर की कॉस्ट बता देता हूं और आपको पैनल के साथ भी इसकी कॉस्ट बता देता हूं। तो ये जो NX1X का मॉडल है इसकी जो कीमत है वो है 45,500 इंक्लूडिंग GST, और जो 2X वाला मॉडल है इसकी कीमत है 53,500। ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है, नेक्सस ने अभी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो इंट्रोडक्टरी ऑफर में आपको ये प्राइस दे रहे हैं। तो अगर आप लेट से मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो इंट्रोडक्टरी ऑफर जब तक है जब तक ये कॉस्ट है, उसके बाद में इसकी रेगुलर प्राइस हो जाएगी। तो कंपनी जो भी इसका रेगुलर प्राइस रखेगी वो आपको कंपनी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो ये तो होगी एसी की कॉस्ट। अब आप कहेंगे कि साहब मेरे को कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए जिसमें एसी का मेरा 1 रुपए भी बिल ना देना पड़े। तो अगर आप 1x मॉडल लेते हैं तो 2 आप पैनल ले सकते हैं, तो 45,000 रुपए पीसीयू की कॉस्ट इन्वर्टर की, जिस कॉस्ट के अंदर आपको लाइफ टाइम आपका जो एयर कंडीशनर फ्री में चलता रहेगा। अब फ्रेंड्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो इन्वर्टर एयर कंडीशन होते हैं उनके पावर कंजप्शन भी कम होते हैं और वो भी सोलर एसी की तरह बिहेव करता है। तो सोलर एसी और इन्वर्टर जो टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर है उनमें क्या फर्क है? तो फ्रेंड्स सोलर जो एयर कंडीशनर है और जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर है दोनों के अंदर डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है और उसके पावर कंजप्शन जो सोलर एयर कंडीशनर है उससे ज्यादा होते हैं। सोलर एयर कंडीशनर के पावर कंजप्शन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो करीब आपको आधे कम मिलने वाले हैं। अब आपका अगला सवाल होगा कि इस प्रोडक्ट की वारंटी कितनी है। तो नेक्सस के किसी भी एयर कंडीशनर को आप लेते हैं जिसके अंदर हमारे 6 मॉडल अभी अवेलेबल हैं, जिसमें हॉट एंड कूल है, 2 रेगुलर मॉडल हैं, 2 सनकूल के मॉडल हैं और 1 विंडो AI वाला हमारा एयर कंडीशनर है। तो आप किसी भी मॉडल को लेंगे तो 1 साल आपको कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स पे वारंटी मिलती है और 5 साल आपको कंप्रेशर पे वारंटी मिलने वाली है। इस वारंटी को अगर आप बढ़वाना चाहें तो आप एडिशनल वारंटी के साथ भी एयर कंडीशनर को बाय कर सकते हैं, जिसकी जो पॉलिसी है वो पूरी हमारी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। अभी नहीं मिलेगी, जब तक ये इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है जब तक नहीं मिलेगी। जैसे ही ऑफर खत्म हो जाएगा तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी देखने को मिलने वाली है। तो आप अपनी जुत के हिसाब से वारंटी को एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अब आपका अगला सवाल कि आपको ये वाला एयर कंडीशनर कहां से मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाएंगे, वहां पे आपको डीलर लोकेटर का ऑप्शन मिलता है जिस जगह आपको अपना पिन कोड डालना है। तो जब आप अपना पिन कोड वहां पे डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। तो उन लोगों को कॉन्टेक्ट करके आप सोलर एयर कंडीशनर को बाय कर सकते हैं। अगर आपके नियर में कंपनी के कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप सीधा कंपनी से भी जो ये एयर कंडीशनर उसको बाय कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज जो रहने वाला है अगर आप वेबसाइट से बाय करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा आपका रहने वाला है, तो जो भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो आपको एडिशनली पे करने पड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि सोलर एसी से रिलेटेड आपके सारे सवालों के आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। कुछ और अगर आपके सवाल बचते हैं तो आप कृपया मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सभी सवालों का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।